सो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा रिविलेशन जिसे देखने के बाद आप भी चौक उठोगे कि आज की रेट पे जो आपके फेवरेट सितारे हैं, आपके जो फेवरेट स्टार हैं, एक टाइम ऐसा था जहाँ इन्हें भी संघर्ष करना पड़ा था और इस तरीके से इन्हें मिली थी ये लीड रोल। जी हाँ, राकेश रोशन जो कि एक बहुत ही नामचीन फिल्म प्रोड्यूसर है, इन्होंने एक सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल पे रिसेंटली वीकेंड के टाइम पर जब इन्हें चीफ गेस्ट के तरीके से इनवाइट किया गया था, इस दौरान अपने ही गाने सुनने के बाद इन्होंने कुछ ऐसे रिविलेशन किए हैं इन एक्टर एक्ट्रेस के बारे में जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे शॉक। आइए नज़र डालते हैं इस पूरी डिटेल्स पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि रिसेंटली राकेश रोशन को भी रिसेंटली इंडियन आइडल के शो में एज ए स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनविटेशन मिला है। इस दौरान राकेश रोशन ने बहुत सारे ऐसी चीज़ों का खुलासा किया है जिस बारे में मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे भी रूबरू किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, राकेश रोशन इंडियन आइडल के शो में एज ए चीफ गेस्ट के द्वारा आए थे, जहाँ पे हमको ये पता है कि इंडियन आइडल का फिनाले बहुत जल्दी ही होने वाला है और हमें बहुत जल्दी ही हमारा इस सीज़न का इंडियन आइडल मिल जाएगा। साथ ही सोनी एंटरटेनमेंट बहुत जल्दी ही इंडियाज बेस्ट डांसर के शो के साथ लौट रहा है। जी हाँ, 8th अप्रैल में इंडियाज बेस्ट डांसर का शुरुआत होने वाला है, जिस बात का डिटेल मैंने ऑलरेडी कल के एक वीडियो में देख डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज चेक करिए। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं कि राकेश रोशन ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि करण अर्जुन मूवी के लिए सलमान खान को मैंने हायर किया ही नहीं था। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि सलमान खान को मैंने हायर ही नहीं किया था, सलमान खान से मेरे इस चीज़ों के बारे में बात ही नहीं होता, बल्कि सलमान खान के बदले मैं अजय देवगन को इस चीज़ के लिए रखा था। जी हाँ, करण अर्जुन की मूवी के लिए जहाँ शाहरुख खान के ऑपोजिट सलमान खान नज़र आए हैं, जिस फिल्म का एक फेमस डायलॉग है जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। जी हाँ, मैं उस मूवी की कर रही हूँ बात जहाँ पे राकेश रोशन इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे, इस फिल्म के निर्माता रहे हैं, और इस दौरान राकेश रोशन ने ये कहा है कि सलमान खान को मैं इस मूवी के लिए साइन नहीं किया था, बल्कि किसी रीज़न के वजह से जब सलमान खान इस मूवी नहीं आ पाए, उस वजह से मेरे को अजय देवगन जब इस मूवी के लिए नहीं आ पाए तो मुझे सलमान खान को इस चीज़ के लिए साइन करना पड़ा और उसके बाद से इस मूवी का नाम को भी चेंज करना पड़ा। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, इस मूवी का नाम पहले से करण अर्जुन नहीं था, इस मूवी का नाम कुछ और ही था, जो अजय देवगन के ना कहने पर इस मूवी के नाम को भी चेंज कर दिया गया। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ का कोई और ही टाइटल ले रहा, कोई और ही क्रेडिट ले रहा और उसी चीज़ को अगर हम आगे फॉरवर्ड कर दें तो उस एक्टर का वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इस चीज़ को फिल्म के प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने मद्देनजर रखते हुए नाम भी चेंज कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि जो 1995 का जो सबसे हिट फिल्म रहा है राकेश रोशन का, करण अर्जुन वाला, इसे सबसे पहले अजय देवगन को दिया गया था। अगर अजय देवगन ये मूवी भी करते तो फूल और कांटे के साथ साथ ये भी उनका एक बहुत ही हिट मूवी रह सकता था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ साथ शाहरुख खान नज़र आए थे, जिसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन होगा ही, और इस मूवी को कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखा रहेगा, नो डाउट, क्योंकि ये मूवी आज भी टीवी पर आने के बाद लोग देखते हैं। फॉर स्पेशली फॉर दैट लाइन मेरे करण अर्जुन आएंगे, जहाँ पे एक माँ का प्यार दिखता है अपने बच्चों के प्रति और अपने भाई का जो एक दूसरे के प्रति प्यार है ये भी देखने को मिलता है। और इस बात की जानकारी राकेश रोशन ने खुद इंडियन आइडल के सेट पे अपने उस पिक्चर के गाने सुनने के बाद उनको सारी चीज़ें याद आती है और उस दौरान उन्होंने ये चीज़ को रिवील किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा है कि अजय किसी वजह से नहीं कर पाएंगे पिक्चर, इस ये रीज़न देके अजय देवगन इस मूवी से हट चुके थे, जिसके बाद सलमान खान को इस मूवी के लिए साइन करना पड़ा था एंड सलमान खान ने बतौर अपना एक्टर का जर्नी बहुत ही अच्छे से निभाया और ये मूवी भी उनका हिट गया था बाय द वे। इसके साथ साथ जब इस शो को होस्ट करने वाले राकेश लिम्बाचिया ने जब इनसे पूछा कि आप और अब कुछ अपनी फिल्म के बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा कि शो में जैसे जैसे गाने सामने आते रहेंगे वैसे वैसे मैं उस मूवी का रिविलेशन करता रहूँगा। इसके बाद ही जो एक दूसरी कंटेस्टेंट थी जिन्होंने कहो ना प्यार है के मूवी से कहो ना प्यार है का टाइटल सॉन्ग गाया, जिस दौरान राकेश रोशन को याद आ गया अपना 2000 का टाइम जहाँ पे कहो ना प्यार है का मूवी हुआ था रिलीज, और नो डाउट ये मूवी भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था और कहीं ना कहीं इस मूवी में उनके खुद के बेटे को ये रोल मिला था। जी हाँ, ऋतिक रोशन इस मूवी में नजर आए थे।
और उन्होंने ये भी कहा था कहो ना प्यार है मैं कहीं ना कहीं करीना कपूर को इस मूवी के लिए पहले सोचा गया था, लेकिन करीना कपूर किस रीज़न से बिजी थी और नहीं दे पाई टाइम, इसी वजह से करीना कपूर की जगह अमीषा पटेल को इस मूवी के लिए हायर किया गया। एंड नो डाउट अमीषा और ऋतिक की जो जोड़ी थी वो आज भी देखने से बनती है, इनफैक्ट आज भी लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते कि वो टाइम पे क्या खूब दिख रहे थे यार, वो सॉन्ग वो सीक्वेंस वो स्टोरी में दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी। इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि करीना कपूर और ऋतिक रोशन की अगर मैं बात करूँ तो कभी खुशी कभी गम में तो इनकी केमिस्ट्री दिखने को मिली है, लेकिन अगर कहो ना प्यार है मैं दिखने को मिल जाता तो शायद बात ही कुछ और होती। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि शाहरुख और सलमान के जोड़े टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यू था, बहुत ज़्यादा यूनिक था और लोगों ने इनकी जोड़ी को इनकी ये सारी चीज़ों को पसंद किया है। और इन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरा बस चले तो इस मूवी को मैं रिफ्रेम करके फिर से पेश करना चाहूँगा ताकि आज के बच्चों को भी पता चले कि उस टाइम का मूवी कैसा हुआ करता था। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार का जो भी मूवी होगा उसमें वो कोशिश करेंगे कि काजोल और ममता कुलकर्णी जो कि उस टाइम की हीरोइंस हुआ करते थे, फेमस हीरोइन हुआ करते थे, उन्होंने बोला है कि मैं चाहूँगा कि इस बार ये लोग एक साथ एक मूवी में नज़र आएँ और मैं फिर से कहूँगा कि मेरे करण अर्जुन आ जाएंगे। इस बार मैं एक ऐसा मूवी बनाना चाहूँगा जहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे करण अर्जुन आ जाएंगे, जहाँ पे वो था मेरे करण अर्जुन आएंगे तो वहीं पर ये सीक्वेंस बनेगा कि मेरे करण अर्जुन आ जाएंगे। इसके साथ साथ राकेश रोशन ने ये कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्रिश 4 के रिलीज़ के लिए। जी हाँ, क्रिश 4 के ऊपर इनका काम चल रहा है और जिस वजह से इनके फैंस कर रहे हैं इंतज़ार कि क्रिश 4 में शायद ऋतिक रोशन के साथ साथ कौन सी एक्ट्रेस आएंगी नज़र और क्या नए सीक्वेंस के साथ क्रिश 4 होने वाला है रिलीज़। इस बात का जैसे अपडेट मिलेगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फेस।